वहीं गैंडसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। कांग्रेस के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं नेटवर्क 10 संवाददाता उपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज महामी राज्यपाल का अभिभाषण है, वो जो सरकार का दस्तावेज होता है, और हमें मालूम है कि वही रटाई चीज़ें, पुरानी बातें वही दिखाई देंगी, क्योंकि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई सोच नहीं है, और यह जाहिर हो जाएगा। और हम पूरी प्रमुखता के साथ सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हमारे माननीय विधायक सम्मिलित होंगे। हम अपनी बात तो करेंगे, खामियां होंगी हमें मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरानी बोतल नई शराब, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आखिरकार वही होना है। और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, ज्वलंत प्रश्न हैं, जो आज पूरा प्रदेश जूझ रहा है। नौजवानों के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनको जेल में ठूसा जा रहा है, संकीर्ण धाराएं लम पर लगाई जा रही हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने ये तो कहा कि हमें न्याय चाहिए, इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो। अंकिता हत्याकांड, आज भी वो सफेदपोश लोग कौन है, क्यों बचाना चाहते हैं? सीबीआई इंक्वायरी की बात हमने कही है, उनके माँ उनके पिता भी कह रहे हैं। सरकार उन चेहरों को बचाने के लिए सीबीआई जांच से परहेज कर रही है। गन्ने का समर्थन मूल्य अभी तक घोषित नहीं हुआ है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, मुनस्यारी पूरी आपदा की चपेट में है। जो आपदा से प्रभावित परिवार हैं, जोशीमठ का ही देखिए, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कोई पुनर्वास नीति नहीं बनी है, न कोई उनको मुआवजा दिया गया है, सर्किट रेट बढ़ा दिए हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, सरकार को पूरी तरह हमारे हम सब साथी मिलकर घेरेंगे। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी में आज बजट सत्र का आगाज हो गया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस भी पूरी रणनीति बनाकर जो है आज सदन के अंदर जो है वो दिखेगी, साथ ही कांग्रेस जिस प्रकार से सरकार ने भी तैयारी की है, सर क्या कुछ मुद्दे कांग्रेस की तरफ से रहने वाले हैं, और आज जिस प्रकार से बजट सत्र की जो है शुरुआत होगी, किस तरीके की रणनीति? सर आज तो जो है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, कल से सत्र विधिवत प्रारंभ होगा। जहाँ तक विषयों का प्रश्न है, बहुत सारे विषय हैं, और जो बजट की अवधि है वो बहुत कम है। इस कम अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि जब हमारे विधानमंडल दल की बैठक अभिभाषण के बाद होगी कि किस विषय को किस दिन किस नियम के अंतर्गत उठाना है, उसको हम उठाने का काम करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन भी जो है वो किया जाएगा, और जिस प्रकार से कई सारे मुद्दे हैं, जिस प्रकार से कहा गया कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अंकिता भंडारी जो है उन पर कोई कार्रवाई जो है सरकार नहीं कर रही है, पेपर लीक मामले, ऐसे किस तरीके से उसको सरकार को घेरने का? नहीं, देखिए स्वाभाविक बात है, बेरोजगार साथियों का जो है मुख्य मुद्दा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, परीक्षाओं में जो है बड़े व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है, महंगाई अपने चरम पर है, गन्ना किसानों का ना तो भुगतान हो रहा है ना मूल्य वृद्धि हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, जोशीमठ की जो आपदा है वो आपके सामने है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाने का हम प्रयास करेंगे। सर एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया गया, लेकिन सिर्फ सत्र के समय ही सरकार को जो है जिस प्रकार से याद आती है कि यहाँ पर सत्र होना है, उसके बाद ये फिर जो है खाली हो जाता है। नहीं देखिए, आज जो विधानसभा का भव्य भवन आप देख रहे हैं, इसको बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने तो टेंट में भी यहाँ पर जो सत्र आहूत करने का काम किया, तो सत्र आहूत करने से बात थोड़ी बनेगी। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है, तो ग्रीष्मकाल में राजधानी
जो है भराड़ी सेन से संचालित होनी चाहिए। सरकार कदम पीछे खींच रही है, इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस प्रकार से कांग्रेस के चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि जिस लगातार सरकार को घेरने को लेकर कांग्रेस ने पूरी रणनीति बनाई है, जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ी है, उन तमाम मामलों को लेकर जो है सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। अपने सहयोगी नयन पिमोली के साथ भूपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, भराड़ीसैंण। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है और ऐसे में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा पूरी रणनीति जो है आज सत्र के अंदर जो है वो बनाई गई है कि किस तरीके से सरकार को जो है वो घेरा जाए। मैम, किस तरीके की तैयारी है और आप जिस प्रकार से आज पूरे उत्तराखंडी और कुमाऊनी जिस प्रकार से पहनावा आपने पहना है, इसकी क्या खास वजह और आज सदन बजट सत्र की शुरुआत होगी, किस तरीके की तैयारी? देखिए, हर मोर्चे पे भाजपा सरकार विफल रही है। बेरोजगारी देखिए, कुछ कहीं से कहीं तक रोजगार के लिए क्या सुविधा कुछ नहीं पता है। सीबीआई की जांच अगर युवा मांग रहा है, बेरोजगार मांग रहा है, तो उस पर डंडे और उस पर लाठियां और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। महंगाई देख लीजिए, सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गया है। किसानों का आपने गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया, किसानों के साथ इस तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। अंकिता भंडारी केस, वीआईपी कौन है वो अभी तक खुलासा नहीं कर पाई। जोशीमठ का देखिए, आपदा देखिए, बार बार चेताया गया, उस पर कुछ नहीं था। और इन सब मुद्दों पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा, सरकार से सवाल पूछेगा। हमको विपक्ष में बैठने का जनमत मिला है, हम उसको बखूबी निभाने का कार्य करेंगे। सरकार को चेताएंगे कि नहीं, अगर जनता के पक्ष के लिए, जनता के भले के लिए कार्य नहीं करेंगे तो विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। और आज जो मैंने हमारी भोटिया जनजाति की महिलाएँ हैं उनकी ये वेशभूषा पहनी है। अभी विगत दिनों में किसी ने बहुत ही आपत्तिजनक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी हमारी मातृशक्ति पर की थी, तो उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए आज मैंने अपनी जनजाति की महिलाओं की ये वेशभूषा पहनी है। और हमारी भोटिया जनजाति जो है वो सीमाओं की भी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं की प्रहरी है। और हमेशा से कोई भी संस्कृति हो, उसकी अपनी विशेषता रहती है और अपनी एक अपना एक अहम रोल होता है, अपनी याद है, और हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। तो भराड़ीसैंण में हमारा सत्र आहूत हुआ है, तो मैंने आज यही वेशभूषा पहन के अपनी बहनों के साथ खड़ी हुई हूँ। किसानों के आज उसको जो मूल्य है ना, किसानों का मूल्य को लेकर जो है सरकार कह रही है कि उनका जो है लगातार जो है भुगतान हो रहा है, और आपका कहना है कि हरिद्वार में काफ़ी जो है गन्ना मिले हैं हरिद्वार क्षेत्र में, ऐसे में उन मूल्यों का भुगतान किस तरीके से जो, और आप किस तरीके से जो है सवालों को उठाएंगे सरकार को घेरने का काम? देखिए, नवम्बर से पराई सत्र शुरू हो गया था, पर्ची दी जाती है किसानों को जिसमें समर्थन मूल्य लिखा रहता है, जब नहीं है तो मनमानी की जाती है मिलों के द्वारा, ये स्वाभाविक सी बात है। किसान कितनी मेहनत करता है, खुद हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार जनपद से विधायक हूँ, आज की देवतुल्य जनता ने मुझे चुनकर आज इस सदन में भेजने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है, तो मैं समझती हूँ उनके दर्द को कि रात को 2 बजे वो लोग अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर के रात भर वो किसान जो है मिलों के बाहर खड़ा रहता है और अपने किसान अपनी जो मेहनत का है उसका मूल्य पाने के लिए। लेकिन तब से लेकर अभी तक मूल्य नहीं निर्धारित किया गया। सत्र शुरू होने वाला है, उसमें आनंद फानंद में जियो जारी किया और उस मूल्य को बढ़ाया भी नहीं गया। डबल इंजन है, कैसे नहीं, किसानों की अनदेखी कैसे कर रहे हैं? ये देश तो किसानी पर चलता है, अन्नदाता है, अन्नदाताओं को तो जितना दें उतना कम है, ये करना चाहिए उन सरकार को इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत जी, जिनका कहना है कि जो गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक सरकार नहीं कर पाई है, उसको लेकर सदन के अंदर जो है वो सवाल उठाएंगे। साथ ही जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था, जिस प्रकार से जो चरमराई हुई है प्रदेश की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हंगामा करती हुई दिखाई देगी। अपने सहयोगी नयन पिमोली के साथ भूपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, भराड़।